ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल गिर राम राम। फिलहाल खड़े हुए गाँव राखी गड्ढी जो बड़ा इतिहासिक गांव है और ये कह सकता हूँ पूरा विश्व पटल पर चर्चित गांव, क्योंकि मतलब दावा कराया गया वह करीब 5000 साल पुराने जो हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष थे और बड़े लेवल पर एक नेशनल लेवल पर म्यूजियम तैयार होने लग रहा राखी गड्ढी में। तहसील नारनून जिला हिसार में पहुँचे और बड़ी खुशी की बात, आपने पता है भाई आपने शुरुआत करी थी 19 जनवरी ने अपनी खुद बहन जी की जो छठी गाय थी पिलिया दे के आए थे, कुआ पूजन तक होया था, जलवा पूजन जिसने बोलना है। उसके बाद 15 दिन बाद 3 फरवरी ने एक और मतलब अपना गांव में जो बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा होना पर छठी गुआई और अपनी जो मुहिम थी भाई ये कैसका वो रंग तो लेने लग रही है। हालांकि आप ये नहीं कहते भाई अपनी वीडियो के हिसाब से, लेकिन आपने पता लग गया तो आप राखी गड्ढी गांव में पहुँचे। अपने साथ खड़े मास्टर जी भी हैं और भाई हरियाणा रोडवेज में फिलहाल कर्मचारी भी हैं। बड़ी खुशी की बात है जब फोन पर पता चलिया कि भाई घर में कन्या पैदा हुई, बेटी पैदा हुई और इन्हें थाली भी बजाई थी जी, थाली भी बजाई और ताड़ी भी बजाई और फिर उसकी छठी भी गुआई और आज दसुटन था उनका, यानी छोरा का दसुटन आपने सुनया होगा, अच्छी बात है। लेकिन अपनी जो मुहिम यह है भाई लड़का और लड़की में भेदभाव आप ना करो, क्योंकि दो कुलां की इज्जत और दो कुलां ने इज्जत बढ़ाने वाली लड़की हो है। और अपना एक नारा भी था कि बहू सब न चाहिए और बेबे सब न चाहिए और माँ सब न चाहिए लेकिन बेटी किसे न नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, जब एक कन्या पैदा हो तो सबसे पहले वो बेटी बना है, फिर वो बेबे बना है, वह बेटी बड़ी होगा बहू बना है और फिर वह माँ भी बना है, जब उसके बालकों की मतलब आगा बहू है, जब वह सास भी बना है, यानी सबसे पहले एक बेटी का दर्जा उसको दिया जाओ है। तो बड़ी खुशी हुई, पूरा परिचय इन तक करवाऊंगे तो मास्टर जी सबसे पहले अपना राम राम। राम राम जी, आप एक बार अपना पूरा परिचय दे दो। मेरा नाम पवन कुमार है, पिताजी नाम रामेश्वर है, दादा नाम मांगेराम है। अच्छा जी, विलेज राकेशापुर। फिलहाल के काम करो आप? मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ रोडवेज में। अच्छा अच्छा, उससे पहले आप मास्टरी भी करी? जी, प्राइवेट स्कूल पढ़ा करता जी। चलो बहुत अच्छी बात है, ये संस्कार मास्टरी देश के। तो क्या तारीख ने मतलब गुड़िया पैदा हुई? 22/3/21 को। अच्छा, जेठी है या दूसरा या तीसरा? या जी जेठा लड़का है जी, 20 बार 2-3 बार गड़बड़ रोकी थी। अच्छा अच्छा, हाँ पाँचवा बच्चा है। चलो अच्छा, तो जिस टाइम बेटी पैदा हुई तो कितनी खुशी आपके भीतर में थी? बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि खुशी तो हमने चेहरा वही भी दिखने लग रही, उस टाइम कितनी खुशी थी? बहुत ज़्यादा थी, मैं चाहूँ बेटी था जी। अच्छा, परमात्मा ने सुन ली? हाँ जी, आज उड़को मांगी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आपका परिवार में कितनी खुशी हुई थी? बहुत ज़्यादा जी, ये मेरा परिवार है जी पूरा, ये देख लो आप जी खुशी मारे। क्योंकि ज़्यादातर मारी तो मातृ शक्ति है, एक आधी उन्होंने दादी ताई सी लिखड़े आकर है, उन्होंने कहा कि भुंडा मुँह कर ले छोरी होंगे। लेकिन एक बात और आव है भाई, जो बिल्कुल देखो सच्चाई है लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि मल्याबानु को आने भाई छोरा हो जे, उस छोरे ने जो जन्म देगी वह भी बेटी, यानी लुगाइए जैम सके हैं, सीधी सीधी बात है, तो वह भी बेटी थी तो बहू बनी है और जब जाएगा वह जन्म देवे तो कदर करना अपना फर्ज है। तो आज आपने दसुटन कराए या कि सोचे आपने दसुटन वाली, क्योंकि लड़कियाँ का तो सुना था हमने जी, इस कन्या भाग थे जी, मेरा पूरा समाज भाईचारा आज इकट्ठे हो रहा है, मेरे कर्मचारी भाई सारे आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी बात है जी। पर मैं तुम जी सारे करो ब्याह तक ना चाहता, मैंने दिखा चढ़ रहा है मेरी जिंदगी में जी, सद खुशी आज है जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात है। समाज के लिए आपके मैसेज दोगे जो आप कन्या का जन्म पे मतलब इतना कुछ करें? मैं समाज में हूँ जी, सारे कदर करो, गुड़िया सब ने चाहिए, सारी इसकी इज्जत करो, ये भगवान होती है, लक्ष्मी होती है। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, आपकी मैसेज है? हाँ जी, आ जाओ जी, थोड़ा आपसे भी बात करांगे, कोई बात नहीं। राम राम जी। राम राम जी, आपका क्या नाम है जी? पूजा जी। पूजा, चलो अच्छी बात है, नाम पूजा है और भाई नारी शक्ति की पूजा भी जरूरी है। तो आपने कितनी खुशी हुई जी जब आपकी बेटी पैदा हुई? बहुत ज्यादा जी। अच्छा, तो आपने जिस तरह भाई बताऊं है, मास्टर जी कह रहे हैं भाई हमने थाली भी बजाई, हालांकि पहले आज तक ऐसा होया नहीं था। चलो मैं आपसे पूछूं, आपका जन्म हुआ थाली बाजी थी? मतलब सुनी होगी कौन नी बाजी होया करदा, थोड़ा तो आपने कितनी खुशी हुई लड़की पैदा होना? लड़की बहुत खुशी हुई जी, आज जोड़कर जगते मांगू थी। अच्छा अच्छा, लड़की मांगू थी जी आज जोड़। अच्छा, और आज जिस तरह आपने दसुटन कराया तो आप देखो आपका जो भाईचारा, आपकी सगाई रिश्तेदारी है, मास्टर जी आगे जितने मतलब मित्र प्यारे सारे आ रहे, तो आज कितनी खुशी आपने जी? शादी तक गणी खुशी आज जी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, दो खुशी होगी एक जिंदगी में, सबसे बड़ी बात। तो आप भी एक मातृ शक्ति हो, आप भी किसी की बेटी थी आज भी हो, और मतलब वह बात आपका भी घर में बेटी होगी, तो नारी शक्ति ने आप मैसेज के दोगे जो बेटा बेटी में थोड़ा बहुत आज भी एक आधा इंसान जो फर्क करे उन खातर के मैसेज दोगे अपनी तरफ से?
लड़कियों का जी मान सम्मान होना चाहिए जी। हाँ। लड़कों ते ज्यादा जी। बिल्कुल। लड़कियां जी लड़कों ते पढ़ाई में भी आगे जी। लड़कियों को जी ज्यादा घाटे माना जी। और मानना चाहो जी हमें। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया भाई, इनका धन्यवाद। और बड़ी खुशी हुई, पूरी सगा रिश्तेदार मतलब और अपने कोई भाई या बड़ा ताऊ छड़े ने भी पूरा ना जो कोई बात नहीं देखी करियो। राम राम जी। नमस्कार जी। सबसे पहले जो अपने पास ये ए टू जेड सोनू भाई हमारे बीच में पहुंचे हैं और ये किस उपलक्ष्य में पहुंचे हैं कि हमारे घर के अंदर 18/3/2021 को एक हमारी बेटी ने जन्म लिया जिसकी हमें बहुत तगड़ी आस थी और आज हम उसके सारे जो सम्मान के कार्य होते हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे घर के अंदर क्या जलवा पूजन किया जा रहा है जी। तो मैं सभी जहाँ पर बैठे हुए लोग सुन रहे मेरी बात सारे खड़े हैं ये तो मेरा एक ही संदेश शिक्षक होने के नाते कि बेटी कभी भार नहीं होती, बेटी को हमें क्या पढ़ाना चाहिए, पूरा मान सम्मान देना चाहिए, लड़कों से बढ़ कर आगे काम करती हैं। और जो लड़कियाँ होती हैं शिक्षा के अंदर ये दो घर बसाती हैं, दो घरों का विकास करती हैं। तो मैं मेरे भाई की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से ये कहता हूँ कि अपने बेटी से किसी भी समाज की हो उसको आगे बढ़ाओ, उसको लिखाओ पढ़ाओ, उसका मान सम्मान करो समाज के अंदर। जय हिंद। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। मास्टर जी हैं ये भी? जी हाँ। बहुत बढ़िया, सारा परिवार में मास्टर मास्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत अच्छा मैसेज इन्हें दिया है। दूसरी चीज़ ये भी एक बात और आवे है कि जातिवाद वाली, तो भाई मतलब आप एक बात बताऊँ, इंसान से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। आपने शुरू तो यह चीज़ चलाए रखी, मुहिम चलाए रखी है और जड़े जाऊँ एक बात कह, हालांकि एक छोटी बात है भाई, मन्ना जाट का घर में जन्म ले लिया लेकिन मेरी शक्ल पकड़ियाँ ये नहीं लिख रखे कि मैं जाट का घर में हूँ, या मेरी शक्ल पर लिख रखा हो या मेरा खून वो है खून इनका हर वो है खून मारा है। कहने का मतलब कि है इन चीज़ें ना पाछे छोड़ दो क्योंकि यह एक दीवार बन गई थी भाईचारा के बीच में आज कितना। और दूसरी चीज़ एक और अगर उदाहरण देखा जाए, इनका घर में दो सुटना जो मिठाई तैयार रखी है हर मतलब बिरादरी के आए होंगे, 36 बिरादरी के आए, किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई जिसने मिठाई तारा हो किस जाति का है, जिसने मिठाई बनाई वो किस जाति का है, क्योंकि उन अपना स्वार्थ मतलब उन मिठाई खाने का मतलब। तो यह चीज़ आप पाछा छोड़ दो या तो मतलब सोचने इतना आगे बढ़ा दो कि आपका दिमाग मारनी नहीं चाहिए यह बात कि जाति की चीज़ है, जाति कुछ नहीं होती, इंसान ही जाति है, किसी का सबका खून बराबर है, शक्ल सबकी बराबर है, इसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा मैसेज आज मास्टर जी ने दिया है। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा न्यू बताओ नाम क्या आपका? हरकेश। हरकेश, उम्र कितनी होगी? उम्र मेरी 70 तो टप रहा है। हाँ। आपकी पोती है जो गुड़िया हुई है? हाँ, पोती है। अच्छा अपना कितनी खुशी हुई है? खुशी बढ़िया बहुत ज्यादा खूब। अच्छा आपका टेम की बात करा, आपका टेम पर मतलब छोरी हो जाकर ना तो वो थाली बजा करता लुकमाए लुकमा वापस ब्याह दिया करते बड़ी करके। तो आज जो यू समाज में थोड़ा बहुत बदलाव आया, आज जलवा पूजन भी है, दसुटन भी, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे, क्या कहोगे मतलब अपनी तरफ तजर्बा क्या कहो है? सही है, यू काम है, मेरा सही है, काम बढ़िया कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। करना चाहिए और ना जो लोग आपने देखेंगे सब लोग देख करेंगे। बिल्कुल। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। और जो अपने समाज में देहात में एक रिवाज है भाई जलवा पूजन का, जीती वहाँ कुआ पूजन का लियो, जलवा पूजन का लियो, पानी भरने का एक रिवाज है, तो पानी भरने खातर भी जान लग रहा पूरा भाईचारा पूरा कुनबाइन के साथ में आप देख सको। और बड़ी खुशी है मतलब हम तो देखने लग रहे हैं जो मास्टर जी है भाई हंसने लग रहे हैं, सब तो बड़ी बात तो यही है, बहुत ज़्यादा हमने खुशी हुई और मास्टर जी से मिलकर हमने भी ज़्यादा खुशी होगी। और थोड़ा परिचय करवावांगे अपने पुराने पत्रकार साथी भी हैं क्योंकि 10-15 साल पहले गिने चुने होया कर दे। राम राम जी। राम राम जी। तो आप भी थोड़ा परिचय दे दो अपना। मेरा परिचय ये है, मैं जयपाल चौहान जी और गांव मेरा बीबीपुर है और बीबीपुर से ये मुहिम चली थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल। सेल्फी विद डॉटर। तो आज हमारे एक रिश्तेदारी के नाते हम भी शरीक हुए हैं इसमें। बिल्कुल। और बहुत ही खुशी हो रही है कि इसमें एक समाज में संदेश गया 36 जात में कि बेटियों की भी कदर होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो आपके मन हो मतलब देखो आप भी पत्रकार रहे हो, हालांकि उस टाइम पे थोड़ा क्रेज कम था ये कह सकते क्योंकि अब नेटवर्क 4G 5G मतलब इस तरीके से सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गई इस चीज़ की, कितना फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों का? क्योंकि आपने भी देखा होगा 10-20-30 साल पहले यह चीज़ नहीं थी कि मतलब अब सुकून हाँ मान्या कर दे, छोरी होगी बेरा कौन लग क्या करता, मतलब सुसन हो जी ब्याह जन्दे
तो आज जो समाज में क्यों बदलाव हुआ, इस बदलाव पर क्या मानो? इसमें बदलाव में ये है जी, बेटियां आज किसी से भी पीछे नहीं रही, हर क्षेत्र में बेटियां आज बेटे से भी ज़्यादा नाम रोशन कर रही हैं और माँ बाप को एक नाम ऊंचा कर रही हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में बेटियां सबसे आगे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा कि हर समाज ने, छत्तीस जात ने इससे संदेश लेना चाहिए कि बेटी जो है एक घर को नहीं, वो दो दो घर को संभालती है और उसे दो दो घरों की मतलब आगे जाके बधेवा होता है। और आज थाली बजाई गई है, ताड़ियां बजाई गई हैं, जलवा पूजन किया गया है और पूरे मित्रगण सारे, पूरा गांव, पूरी 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है। इससे यही मैसेज गया कि हमें आने वाले समय में बेटियों को मान सम्मान देना चाहिए, मेरे यही संदेश है मेरा। चलो बहुत बढ़िया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दिखाई दे भाई, कदे नहीं सोचो ये सोनू कहने लग रहा टेंट ला रखा, कदे नहीं सोचो वह सुकाए तो सुटना, मतलब पूरा प्रोग्राम आप देख सको, बढ़िया तरीका इन्ना प्रोग्राम कराया है। और भाई मैन बात, हाँ ये मकान है मास्टर जी का जिसका अग्गा आप फिलहाल खड़े हैं। और लास्ट में यह आपकी जींद डिपो में कितना नंबर है आपका, वो बताओ? C175 सर, C175 जींद डिपो में फिलहाल इनकी ड्यूटी है। और बहुत अच्छी मुहिम इन्हें चलाई, और मैं तो नहीं कहूँ मास्टर जी, और भी जितने आपके ड्राइवर कनेक्टर साथी उनको भी छोरी हो जाए तो आप बड़ा आर सी लाए दी उनको भाई, तो हमने मार भर गए फिर पहुंच जाए। राम राम जी, राम राम। तो आप इनकी रिश्तेदारी में? हाँ मैं इनके रिश्तेदारी में हूँ और ये मेरी मिसिज के मामा का गांव है। अच्छा अच्छा। हाँ मेरा नाम डॉक्टर प्रताप सिंह है, मैं इसराना से हूँ। इसराना पानीपत वाला? हाँ पानीपत वाला। और जैसे ही मुझे पता चला कि वहाँ पर लड़की का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लड़कों का तो जन्मदिन हाँ सारे मनाए हैं, हाँ तो मैंने बहुत बहुत खुशी हुई श्रीमान जी, क्योंकि मैं पेशे से जैसे ट्रेनर हूँ, जे बी टी बी एड को टीच करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं क्या समाज की आज जो रूढ़िवादिता है ना, रूढ़िवादिता वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता टूट कर आगे जा रही है। मैं भी अपनी जैसे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर बेटी का जन्मदिन मना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी को मैं तो इतना मैं तो देता हूँ बेटी को कि अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा करो, उसको कुछ न कुछ स्किल दे के भेजो। आज पहले कि अगर 10-5 साल पहले की बात करते हैं कि जो लड़की जाती है वो अपने पति पर ही डिपेंड रहती है, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ मेरी बेटी है जो, मैं उसको भी PhD करवाऊँ और अपने पैरों पर टेक्निकल स्किल उसको दे के भेजूँ, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर जो जिसके साथ जा रही है उसके साथ विकास करे, उसका भी विकास हो और उसका कहीं ना कहीं मान सम्मान भी अच्छा होगा। जहाँ शिक्षा होगी मान सम्मान भी अच्छा होगा और वो अपने पैरों पर खड़ी होकर उसका सहयोग करेगी। मैं चाहता हूँ कि बेटी को खूब पढ़ाओ खूब पढ़ाओ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, बहुत बड़ी बात। इन्हें नंबरदार साहब आप भी आ जाओ, यानी राखी गाँव के नंबरदार साहब हैं, पूरा नंबरदार हैं। तो राम राम जी नंबरदार। राम राम सोनू भाई, आपको चैनल को भी राम राम। के कहना चाहोगे, आपका गांव में देखो तो ऐतिहासिक गांव में मानदाय रहूँ हूँ, गणे कह भी दे राखी गड्डी माँ, राखी गड्डी में करना में इतने सुतरे मतलब बात आवा हमने जाना पड़े। तो आप के कहना चाहोगे समाज में एक बदलाव जो? सोनू भाई सबसे बड़ा तो संदेश यो है, वह बेटी का प्रोग्राम आज अलग हमारा काम में तो कराया नहीं राखी गड्डी में किसी ने, जो इस पवन ने कराया भाई, रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया काम का। और समाज में बढ़िया संदेश जाओगा, और जो परिवार के इनके संस्कार हैं बुढ़िया के, मारी जो कदे ज्ञान जान भी है, संस्कार बढ़िया मिल रहे तो इन्हें बढ़िया काम कराया, और सारा प्रेरणा बढ़िया जाओगी भाई, बढ़िया काम कराया है। तो सोनू भाई मैं तो यह कहना चाहूँ, आगे भी किसी के छोरी होते हो प्रोग्राम करियो, मीठा मुँह जे सबका। सही बात है भाई, देखो बहुत धन्यवाद नंबरदार साहब भाई, कहना मतलब प्रोग्राम तो छोटा कर दियो, 4 आदमियों ने जमा दियो, मतलब औका करें भाई अपनी श्रद्धा अनुसार, लेकिन कम से कम ये दिखाओ तो सही भाई, हमने बेटा मेरे बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। तो राखी गढ़ी तहसील नारनू जिला हिसार में फिलहाल आप खड़े थे, बातचीत करी है मास्टर जिया तो बातचीत करी, पूरे परिवार तो बातचीत करी है, और भी जो इनके मित्र प्यारे और भाई जो रिश्तेदार थे उन तो आपने बातचीत करी है, सब ने अपने अपने विचार व्यक्त करे हैं। तो इस मुहिम में इसे कड़ी में लगातार आपने भी साथ देना है, और मैं कह भी करूँ भाई आप भी दो सुटन करो, छठी मनाओ, थाली बजाओ, अच्छी चीज़ है, और जड़ा जरूरत पड़े किसी ना लागे भाई हमारी जरूरत है, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने तक मकसद ये नहीं है कि केवल वीडियो बनाने उर तक सीमित नहीं है, यानी इस वीडियो का माध्यम से अगर हजारों 10,000, 20,000, 50,000 आदमी देखें, उनमें तो अगर इस वीडियो के माध्यम से एक आदमी ने भी अपना बेटी की छठी मना ली तो फिर अपना मिशन कामयाब है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपने शेयर करनी ताकि समाज में जागरूकता आवे, लोगों की सोच बदले, और आपके जो सोच, आपकी जो विचार, आपकी जो प्रतिक्रिया एक सभ्य कमेंट के जरिए आपने वो भी देनी है। जय जवान जय किसान।